सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज हम वेल्डेड एंड रिवेटेड ज्वाइंट पढ़ने वाले हैं। जनरली ये पार्ट थ्री है। पार्ट वन में मैंने रिवेटेड ज्वाइंट के थ्योरेटिकल चीज़ें बताई थी, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। पार्ट टू में मैंने आपको वेल्डेड ज्वाइंट के बारे में बताया था। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं जो SSC JEE में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन अ सिंगल वी बट वेल्ड्स द एंगल बिटवीन एजेस इज केप्ट अबाउट। तो मैंने आपको जब वेल्डेड ज्वाइंट पढ़ा रहा था तभी मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया था। सो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा दो हॉरिजेंटल इस तरीके का अगर दो पीस हैं, दो पीस ऑफ मेटल है, इनको अगर ज्वाइंट करना है, दैट इज ऐसे ज्वाइंट को हम लोग बट ज्वाइंट बोलते हैं। इनको ज्वाइंट करने के लिए हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में ग्रूव कट करते हैं इस तरीके का। इसमें भी वी ग्रूव, इसमें भी वी ग्रूव कट करते हैं और फिर दोनों को हम इस तरीके से वेल्डिंग करते हैं। ये जो वी एंगल जो बना है यहाँ पे, ये एंगल कितना होना चाहिए यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये एंगल जनरली 40 to 60 degree होता है। आपको जब मैं थ्योरेटिकल चीज पढ़ा रहा था तब भी बताया था। अगला देखिए, द थिकनेस ऑफ बॉयलर प्लेट इज 16 mm, द डायमीटर ऑफ रिवेट यूज इन द बॉयलर ज्वाइंट। तो देखिए, एक रिलेशन होता है डायामीटर और बॉयलर। अगर आप बॉयलर की डिजाइन कर रहे हैं तो जो डायामीटर ऑफ रिवेट जो होगा और थिकनेस का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है डायामीटर ऑफ रिवेट इज इक्वल टू 6√T। ठीक है, ओके, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ बॉयलर प्लेट। बॉयलर जिस प्लेट से बना है उसकी थिकनेस, डी इज द डायामीटर ऑफ रिवेट। आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, 6√T की जगह पे हम पुट कर देते हैं 16, और ये डायरेक्ट आंसर 24 के आसपास आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है? तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हमको करते जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट आर दिस, दिस एंड दिस। अच्छा क्वेश्चन है, अपन थ्योरेटिकल में ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे। क्या क्या बोला? ये शियर स्ट्रेंथ है, इसको हम पी एस से दिखाते हैं, शियर स्ट्रेंथ। ये हमारा क्या है? एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज पी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, सॉरी शियर स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ पी टी, और ये हमारा क्या है? कॉम्प्रेसिव क्रशिंग स्ट्रेंथ भी बोला जाता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, सो इफ स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिवेटेड प्लेट इज, अनरिवेटेड प्लेट का स्ट्रेंथ अगर कितना है 200 newton, द एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट इज दैट। तो एफिशिएंसी ऑफ रिवेट का अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एफिशिएंसी ऑफ रिवेट, तो एफिशिएंसी ऑफ रिवेट का जो हमारा फॉर्मूला था, एफिशिएंसी ऑफ रिवेट कहता है दैट इज लोएस्ट ऑफ, क्या कहता है? लोएस्ट ऑफ या मिनिमम ऑफ पी एस, पी टी और पी सी, इनमें जो सबसे कम है वो, अपॉन स्ट्रेंथ विदाउट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट। क्लियर है? अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड प्लेट, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। इन सब में कम क्या है? 100 वाला सबसे कम है, मतलब द शियर स्ट्रेंथ सबसे कम है, अपॉन 200। ये कट गया, ये कट गया, 0.5 आएगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा 50%। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? डायरेक्ट ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इस तरीके से हमें करना है, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको वहां पे तरीका बताया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, आवाज बिगड़ जा रहा है यार आजकल रिकॉर्डिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? द शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट विल 50 newton पर एम एम स्क्वायर इफ द डायमीटर ऑफ द रिवेट इज डबल। ओके, डायमीटर क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। इसको थोड़ा पेन को पतला किया जाए। ओके, तो 50 क्या है हमारा? शियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, दिस इज शियरिंग स्ट्रेंथ पी एस, शियरिंग स्ट्रेंथ दैट इज 50 newton पर एम एम स्क्वायर इफ द डायामीटर ऑफ द रिवेट इज डबल। इफ द डायामीटर ऑफ द रिवेट इज डबल देन इट्स शियरिंग स्ट्रेंथ विल बी, क्या होगा? देखिए, शियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, फॉर्मूला याद कीजिए, पाई बाई फोर, ठीक है, पाई बाई फोर डी स्क्वायर शियर स्ट्रेस, यही था हमारा शियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। ठीक है,
d where d is the diameter of the rivet and tau is the shear stress. Clear hai? So that is tau permissible. Okay, yahan pe dhyan dena, this is tau permissible. Okay. और यहाँ पे देखो पहला जो है शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिबेट शुरू का जो पी एस वन की वैल्यू दी है वो कितनी दी है 50 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और पी एस टू की वैल्यू आपको निकालनी है बट पी एस टू के केस में जो डायमीटर ऑफ रिबेट है वो क्या हो जा रहा है डबल 2d हो जा रहा है इन दैट केस तो कुछ नहीं करना है पी एस वन अपॉन पी एस टू को अगर हम डिवाइड कर दें दोनों को डिवाइड कर दें इस तरीके से पी एस वन अपॉन पी एस टू Fearing strength of one, fearing strength of two. ये हो जाएगा pi by four upon pi by four. ये हो जाएगा 2d का whole square. ये हो जाएगा d का whole square. Tau permissible. और ये हो जाएगा tau permissible. ठीक है सारा terms कट गया. ये कट गया. ये कट गया. ये कट गया. ये कट गया. D square. D square कट गया. Answer आ गया 4. It is 1/4. यही है ना? एक मिनट यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं है. ओके 1/4 सही है अब PS1 की वैल्यू कितनी है PS1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखा गया है 50 न्यूटन तो यहाँ से PS2 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 50 इनटू 4 व्हिच इज इक्वल टू 200 न्यूटन डायरेक्ट आंसर आ गया क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय डायमीटर ऑफ हेड हेड के डायमीटर से रिबेट स्पेसिफाई होता है थिकनेस ऑफ प्लेट से लेंथ ऑफ रिबेट से या नॉमिनल डायमीटर दिस इज द नॉमिनल डायमीटर ठीक है तो जनरली सारा रिबेट नॉमिनल डायमीटर से ही डिफाइन होता है गाइस आपको रिबेट का नॉमिनल डायमीटर पता होगा तब तो पता होगा आपको पता होगा कि इस रिबेट की हेड कितनी है 1.7d हाइट कितना है 0.75d तो नॉमिनल डायमीटर से ही पूरा का पूरा रिबेट हमारा डिपेंड होता है तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर ठीक है नॉमिनल डायमीटर आगे देखिए The rivet head for general purpose shown in the figure below is known as ये कौन सा रिवेट है चलिए बताइए जल्दी से यहाँ पे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा अच्छी चीज ये जो आपको दिख रहा है सबसे पहले मैं आपको स्नैप हेड बना के दिखा रहा हूँ ठीक है स्नैप हेड हमारा कैसा दिखता है पैन हेड कैसा दिखता है काउंटर सिंक कैसा दिखता है या फिर हमारा फ्लैट हेड कैसा दिखता है देखिए सबसे पहले पैन बताऊं ये जो हमारा फिगर बना है यही है हमारा पैन हेड क्लियर है स्नैप की बात कर रहे हूं स्नैप हेड कैसा होता है स्नैप हेड ये हमारा रिबेट हो गया और इसका जो हेड होगा इस तरीके से होगा स्नैप हेड का ठीक है फ्लैट हेड कैसा होता है फ्लैट हेड याद करो किस तरीके से दिखता है फ्लैट हेड ये हमारा इसका सेम फ्लैट हेड हमारा कुछ इस तरीके का दिखता है ये हो गया हमारा फ्लैट हेड काउंटर संक हेड कैसा हो जाएगा वेट एक मिनट अच्छा ये बाहर की तरफ निकला है ना सॉरी ये पेन हेड नहीं है ये मिस्टेक हो रहा था देखिए पेन हेड और काउंटर काउंटर संक में थोड़ा सा ये जो है काउंटर संक है ठीक है काउंटर संक पेन हेड कैसा होता है आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ पेन हेड ना गाइस अंदर की तरफ रहता है याद रखना पेन हेड हमारा अंदर की तरफ एंगल बना रहता है इस तरीके का ये हमारा पेन हेड और ये हमारा काउंटर क्लियर है ये दोनों में बहुत डिफरेंस इसलिए ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाता तो याद रखना जो पेन की तरह दिखेगा पेन को उल्टा कर दो तो कैसा दिखेगा ये पेन का बेस और ये पेन इस तरीके से फैला हुआ उल्टा कर दो इसमें हैंडल लगा दें ये लीजिए हैंडल लगा दीजिए आप इससे याद करना कि ये पेन हेड है और ये हमारा उसका अपोजिट होगा तो वो काउंटर संक हेड होगा चलिए आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब बैकलिंग A backing ring is used inside the pipe joint when making a कब यूज करते हैं भाई बताइए बट वेल्ड करने के समय बट वेल्ड करने के टाइम पे हम इसका यूज करते हैं ठीक है समझ रहे हो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पाइप हैं उसके में बट ज्वाइंट करना है फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ये पाइप हो गया क्लियर है और एक हमारा ये पाइप हो गया तो इनको जब हम ज्वाइंट करते हैं इन दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए हम इस पाइप के अंदर में एक सर्कुलर इस तरीके का प्लेट लगाते हैं रेनफोर्समेंट करने के लिए सर्कुलर हम पाइप लगाते हैं और उसके बाद हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो वेल्डिंग के जो स्लैग पार्टिकल्स है ना वो पाइप के अंदर इकट्ठा नहीं हो जाता है पाइप के अंदर नहीं गिरते इसलिए हम ये एक रेनफोर्समेंट के लिए लगाते हैं तो किस में लगाते हैं बैकिंग रिंग इज यूज्ड इनसाइड द पाइप ज्वाइंट व्हेन मेकिंग अ बट ज्वाइंट
क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, बट ज्वाइंट। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट इज 60%, टीयरिंग एफिशिएंसी दिया है आपका कितना 60% दिया है, और द रेशियो ऑफ रिवेट होल डायामीटर टू द पिच ये कितना दिया हुआ है, वही फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। टीयरिंग एफिशिएंसी सबसे पहले दिया है, तो टीयरिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, टीयरिंग एफिशिएंसी का वो होता है दैट इज वन माइनस डायमीटर ऑफ होल अपॉन पी। ठीक है, डायमीटर ऑफ होल अपॉन पिच, ये हमारा होता है टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ द रिवेट। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, एफिशिएंसी दिया है 60%, तो ये 60 अपॉन 100 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस डी एच अपॉन पी। इसको आप इधर ट्रांसफर कीजिए, यहाँ से आपको डी एच अपॉन पी की वैल्यू निकल मिल जाएगी 0.4 के आसपास। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, अ रिवेट ज्वाइंट मे फेल ड्यू टू सियरिंग ऑफ रिवेट, सियरिंग ऑफ प्लेट एट एन एज, क्रशिंग ऑफ रिवेट। किसकी वजह से फेल होता है भाई, बोथ ए बी एंड सी, बताया था ना आपको रिवेट किस तरीके से फेल होता है, ध्यान में रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग यूनिट्स ऑपरेट एट पावर फैक्टर, किस पावर फैक्टर पे वेल्डिंग यूनिट का हमारा काम करता है, जनरली इसका आंसर है दैट इज 0.3 पे, वेल्डिंग यूनिट ऑपरेट एट 0.3 पावर फैक्टर। क्लियर है? आगे बात करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रिवेट इन एडजेसेंट रो ऑफ जिगजैग रिवेट जॉइंट इज नोन एज डायगोनल पिच। समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे तो मैं यहाँ पर ड्राइंग बना के आपको बता दे रहा हूँ। ये हमारा है, ये मैंने तीन बनाया, तो जिगजैग के लिए कैसा होता है, दो के बीच में एक होता है, दो के बीच में एक होता है, तो ये डायामीटर पूछ रहा है, ये डायामीटर आपसे, ये डायामीटर पूछ रहा है। ठीक है, दिस डायामीटर, इसको क्या बोलते हैं, पीडी लिखते थे, डायगोनल पिच, यही है हमारा। अगला, एयरक्राफ्ट बॉडी इज यूजली फैब्रिकेटेड बाय रिवेटिंग, याद रखना ये चीज। चलिए आगे बढ़ा जाए, कहाँ गया माउस यार। अगला क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन एयरक्राफ्ट बॉडी तो बताई दी आपको कि रिवेटिंग की से होता है। जॉग्ड वेल्ड जॉइंट्स आर यूज्ड फॉर, जॉग्ड वेल्ड जॉइंट आर यूज्ड फॉर, यस, वेयर सेवरल लोडिंग इज एनकाउंटर्ड एंड अपर सरफेस ऑफ बोथ पीसेस मस्ट बी इन द सेम प्लेन, then jogged welded we are used। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेन एंड बट वेल्ड मे बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू एप्रोक्सीमेटली, बताइए 25 mm, बताया था ना वही। नाउ प्लग वेल्ड ज्वाइंट इज यूज्ड टू जॉइन टू पीसेस ऑफ मेटल इन सेम मैनर एज रिवेटेड मेटल। ओके, चलिए अगला, टाइप ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट शोन इन द फिगर, ये किस तरीके की रिवेटेड ज्वाइंट है, अगर आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो एक किस तरीके की जॉइंट दिख रहा है कि दो प्लेट है आपस में, दो प्लेट लगा है उसके ऊपर तीसरा प्लेट रख कर किया, मतलब बट जॉइंट की तरह है। तो ये ध्यान देखो, लेकिन ये डबल है ना, एक तरफ ये एक रो इधर है, ध्यान से देखो ये डबल रिवेटेड है, ये डबल रिवेटेड है, तो अपन इसको कह सकते हैं डबल रिवेटेड बट जॉइंट। अगर ये सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट फिर किसको कहेंगे, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट किसको कहेंगे, तो देखिए मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, इसको कहेंगे सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। एक तरफ एक रो है तो सिंगल रिवेटेड, अगर दो रो आ गया इसकी तरह, ये हो जाएगा डबल रिवेटेड बट जॉइंट। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, आगे है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द प्लेट पर पिच लेंथ ऑफ आउटर रो ऑफ द रिवेट इज कितना हो जाएगा, बताइए इसका आंसर। यस, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। दिस बता, जब आपको मैंने इसका डेरिवेशन किया था बताया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच इट इज पी माइनस डी टी सिग्मा टी। सिग्मा टी कब यूज करते हैं, सिग्मा टी दैट इज परमिसिबल सियर टेंसाइल सियर स्ट्रेंथ। ठीक है, परमिसिबल सियर स्ट्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ फेलियर इन्वॉल्वड इन द एनालिसिस ऑफ रिवेट जॉइंट आर
टाइप ऑफ फेलियर, किस किस तरीके का फेलियर होता है बताइए जल्दी से। बोथ सियर फेलियर भी होता है, टेंसाइल फेलियर भी होता है और क्रशिंग फेलियर भी होता है, क्रशिंग फेलियर ऑफ प्लेट रिवेटेड जॉइंट की तरफ तीनों होता है। तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 बोथ। आगे देखते हैं द स्ट्रेंथ इक्वेशन ऑफ द रिबेट इन द सिंगल सियर। सिंगल सियर के लिए क्या फॉर्मूला हमने निकाल के बताया था, फॉर सिंगल सियर दिस PS is equal to pi by 4 d square tau permissible, है ना? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्या द मेन पार्ट ऑफ द रिवर डज नॉट इन्वॉल्व व्हेन द फॉलोइंग पार्ट आर, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। थ्रेड, हेड, हेड भी हमारा रिवेट का पार्ट है, सैंक भी रिवेट का पार्ट है, पॉइंट भी रिवेट का पार्ट है, थ्रेड इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिवेट, ठीक है। द स्ट्रेंथ इक्वेशन फॉर रिवेट इन द डबल रिवेटेड ज्वाइंट, अच्छा अभी सिंगल का था, अब यहाँ पर डबल का पूछ रहा है, तो डबल के लिए क्या हो जाएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ रिवेट इन द डबल रिवेटेड ज्वाइंट। ओके, तो कुछ नहीं होगा ना, जो सिंगल में है ना, ये हमारा सिंगल का आंसर था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल के लिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई बाई 2 आंसर, तो आई थिंक दिस इज योर राइट आंसर, पाई बाई 2 डी स्क्वायर 2, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई देखकर इसको आप टिक मत कर देना, ये गलत है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से 2 कट गया है, नीचे 4 होता है ना सिंगल में, 4 होता है, 2 से 2 कट गया तो 2 बच गया। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट। तो एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट क्या कहता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ अनरिवेटेड सॉलिड प्लेट, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ रिवेट। क्लियर है, तो बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगला चैप्टर थ्रेडेड जॉइंट एंड पावर स्क्रू है, तो इस पे मैं आपका थ्योरेटिकल चैप्टर, इस टॉपिक पे भी बहुत कम क्वेश्चन बनता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे गिनकर 4-7 क्वेश्चन बस इस टॉपिक पे बना हुआ है, वो भी एक आध क्वेश्चन किसी और टॉपिक का, ठीक है। तो थ्रेडेड जॉइंट और पावर स्क्रू थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, उसमें ही आपको मैं ये क्वेश्चंस भी करा दूंगा। तो आज के लिए इतने गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।